देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमनी के माँ बहुत ज्यादा कोशिश कैली लेकिन वो राजी नहीं की भइल। तो फिर शादी कैसे संभव हुई? काहे संभव नहीं के? जब ओकर बाप यहाँ बा। अरे आइबू तू। हेलो। आप लोग यहाँ पर? अरे बाबा, राजेंद्र के बेटी के शादी, वो भी बड़ बेटी के शादी। हाँ, ओकर अच्छा ही ना लागत रहे, यही खातिर हमने चला ही नहीं। हाँ एकर मतलब का बा? कनेडा नेके करी आप माँ के बोले रहली? तकनी बोले रहली है कि ना करब, लेकिन अभी सोच ली करब, मन परिवर्तन कर लेली। हम सोच ली तुहार सब के कन्यादान करल हमार उचित है, हमार कर्तव्य का रूपा। एग्जैक्टली, हमार पास भी तो दया नाम के चीज बना और लोग का कही है। चला। अब कोनो बाधा ही नहीं खे, अब तो शादी होके ही रही। कहा थे जब आपके बड़ बिटिया के देखे आयल रहनी, तो हम आपकी छोटकी बिटिया के कहले रही कि हम तुम्हार ससुर जी हैं, अपन ससुर जी के प्रणाम करा। हमार ऊ बात सच हो जाई हमरा के पता न रहे। का बोलो तनी भैया सुगनी? हम जोन बात करे खातिर आयल हैं वो ई बा कि आपकी बड़की बिटिया ही ना, आपकी सुगनी बिटिया भी, आपकी दोनों बिटियन के हम अपन दोनों बिटवा के साथ शादी करके घर ले जाए के चाहेली। वाह, ये तो बहुत अच्छा बात बा। आप लोग अगर चाहे तो आपके दोनों बिटिया के संगे अपन दोनों बिटुआ के हम एक ही साथ में शादी करके ले जाए के चाहेंगे। ब्रिलियंट, ये तो बहुत अच्छा बात बा। कम खर्च में ही दोनों बेटी की शादी हो जाए, बहुत अच्छा प्लान बा। काहे राजेंद्र? अरे बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। बुरा मत मनिया भैया, दरअसल हम अभी तक मंजरी लेके के शादी के बारे में ना सोचनी। अरे ना ना दीदी, खाली आप ही का है, कल से पहले ये बात तो हम भी ना सोच ले रहनी, बाकी अब ये सोचे पर मजबूर हो गए हैं। यह खातिर हम पंडित जी के साथ में लेके आए हैं, उस सब कुछ सोच विचार के देख ले हैं। केवल हमार ये बड़ बिटुआ के ही ना, हमरा के दोनों बिटुआ के शादी करा के बहू के घर ले जाए के ही पड़ी, और वो भी बहुत ही जल्दी ही, ना तो मुसीबत हो जाए। बहुत ही आशा लेके आपके पास आई नहीं, दया करके हमरा के निराश ना करी। लेकिन हम अभी शादी नहीं करे के चाहते। सुगनी, तू शादी काहे ना कर पाईबू? वो जवाब भी का हमके आपके देवे के पड़ी। ठीक बा सुगनी, हमके जवाब ना देबू तो कौन बात ना, लेकिन एक बार माँ के चेहरे की तरफ देखा, एक बार सोचा था तू तो कितना समझदार बारू, सब जाने लू। घर में जब कोनो लड़के शादी के लायक हो जावेली तब माँ के कितना चिंता हो खिला बतावा था। हमके माफ कर दिया, हमरा सर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी बा, हम अभी शादी नहीं करे के चाहते। अच्छा हम का कहते हैं, आपके बड़का बेटा के साथ में अगर सावित्री देवी के बड़का बेटी के राजयोग है, लेकिन अगर आपके बड़का बेटा के साथी एक ही लगन में आपके छोटका बेटा के बिया ना भई, तब परिवार में बहुत बड़का विपत आ जाए।
सुन ले बिटिया, सुन ले तू, तोरा पे कितना जिम्मेदारी बा ये हम सब जाने नी। अभी हम यहाँ पर सबके सामने खड़ा होकर के बोलत हई कि तू दूगो बहनिन के हम अपन सगी बिटिया के जैसे रखब। तू तू शादी से पहले जे कुछ भी कर रहा बाड़ू वो करत रहा। घर के काम के लिए हम कबो न रोकब। शादी के बाद तू अगर अपन माई के मदद करे के चाहेलू तो तू करा, जरूर करा, लेकिन दया करके राजी हो जाए। भैया आप बुरा मत मनिया, हम ना कभी भी अपन बेटियन के ऊपर जबरदस्ती कुछ ना थोपनी, मतलब उनकी इच्छा के बिना हम कभी भी उनसे कुछ ना करवाइनी। इमे इच्छा के कौन बात बा, शादी ता एक ना एक दिन करे के ही पड़ी, इतनी जल्दी हो रहा बा। हमार बिटुआ के साथे इकर शादी भगवान लिख ले हैं, ना ता ऐसे कौन रिश्ता बनावेला का बताई। कहल जाला कि जन्म मृत्यु शादी ऊपर वाले के हाथ में बा, हमरा के और कुछ भी ना चाहिए। अच्छा ही तो होई दूगो बहनी मिलजुल कर रही है। सुगनी बिटिया हम कहा थे कि अब तई शादी में केवल 10 दिन ही बाकी है। हाँ, और 10 दिन में भी 2 दिन बीत गए, बाकी बचल बा 8 दिन, और बाकी 8 दिन के बीच में जौन समय शुभ बा ठीक उहे समय में शादी होवे के चाहिए। तू राजी हो जा बिटिया, तू राजी हो जा। प्यार का होला हमरा नहीं पता सुगनी, लेकिन जब हम तहरा के प्यार कहनी हमार तो पूरा दुनिया ही बदल गई। तू हमरा पास रहबा, पूरा जीवन हमार हाथ पकड़ के चलबा, दिन हो या रात तहार चेहरा ही हमार आंख के सामने रहेला। हम तहरा के इतना प्यार करब कि तहरा के जीवन में कबो कोनो चीज के रिग्रेट ना होई। हम तहरा के प्यार करता नहीं सुगनी। तू हमरा के पूरा बदल देले बानी सुगनी। हम कबो ई सब सोच भी ना सकत रहनी जे हम इतना सीरियस हो जाई। दोस्ती के अड्डा, फोन में गेम खेले छोड़ के एक दिन ऑफिस जाई, नेवर। हमरा के अपन पहचान बनावे के पड़ी, अपन आइडेंटिटी। तू देखा, आज से हम खूब मन से काम करब। तू जानता नहीं हमारी मेंटल परिवर्तन के जितना क्रेडिट बा, सब तहार, सिर्फ तहार और के कोरोना। तू अपना मुंह से कुछ बोलने नहीं खेबानी सुगनी, लेकिन हम जानता नहीं हमारी राता राती बदले के कारण सिर्फ तू बानी सुगनी, सिर्फ तू बानी। आई लव यू, I love you। कहाँ बा? बेटा? दादी माँ। वाह वाह वाह। ओ, वाह वाह वाह। पहला दिन ऑफिस में जाता रहा। हाँ दादी माँ। खुश रहा खुश रहा। माँ, हमने के अर्जुन कितना सुंदर लागत बना। अर्जुन, तू दादी माँ के प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेला। अब देखिया, तो हर सब सपना पूरा हो जाए। सपना तो पूरा होई बे करी, काहे बेटा होई ना। सपना तो हमरा पूरा करे के ही बा दादी माँ, करे के ही बा। का भइल अर्जुन? अरे इतना का सोच रहल बाड़े? कुछ ना बाबूजी, तू बिल्कुल भी चिंता ना करी हा, सब कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल बाबूजी। और हाँ सुना,
ऑफिस जाके अगर कोनो समस्या होला तो जरूर हमरा के फोन करिहा, ठीक बा? एकदम। ए एजा हाथ दा हाथ दा। अरे बाप रे, अरे आप सब मिलके तो हमार रैगिंग शुरू कर देले बानी। हर घर के लड़का तो ऑफिस जाला। एकर मतलब आप सब ग्रुप बना के आ जाए, देखी? अच्छा, हमने के घर के लड़का और दोसर के घर के लड़का कोनो एक बाका हाँ? सुना, आज के दिन आप पहले ऑफिस जाए, आज के तारीख की आप कैलेंडर में गोल मार करके वहाँ पे रख दे, वो हमने नीलामी में जाके भेज दे। ऐसा का? अर्जुन, ई का हो रहा बा बेटा? ऑफिस जाए से पहले दौड़ा दौड़ी करे से पूरा कपड़ा के इस्त्री खराब हो जाये, क्रस्ट हो जाये सब कुछ। जा, देर मत करा, जल्दी जावा। हम पहले ऑफिस से आवत आनी, ओकरा बाद तारा के दिखाई। जा। बाइक की चाबी रख दा अर्जुन, आज तू बाइक से ना गाड़ी से ऑफिस जाएगा, और गाड़ी के दरवाजा तू हाथ से ना खुलबा। गाड़ी के दरवाजा खोलब और बंद करब उ सब तोहर ड्राइवर करी। माँ, आप तो जानत आनी ई सब हमरा पसंद नहीं खे, ई सब रुचि तो सबके ऊपर डिपेंड करेला, हमरा के खराब लागेला अगर ड्राइवर दरवाजा खोलेला, प्लीज माँ। You're right. लेकिन का करल जाए बतावा, कॉर्पोरेट ऑफिस के कुछ नियम बा जे माने के ही पड़ी, और गाड़ी के दरवाजा खोलब और बंद करे खातिर हम अपन ड्राइवर के दूसरे ड्राइवर से कहीं ज्यादा तनख्वाह देवता नहीं, समझ गई ला? हम जे कहता नहीं वैसन करा, और अगर हमार बात ना मन के चलबा ऊपर ना उठ पाईबा बेटा। दा जा, अच्छे से जाइए। ठीक बा माँ, आवता नहीं। दादी मत जाता नहीं? आवता नहीं बोले के चाहिए। अच्छा, आवता नहीं। हे भगवान, अर्जुन बेटा कितना बदल गई बा। तू जे कहा भौजी, अर्जुन लेकिन तोहरा के साचो में बहुते मानेला, ना तोहार कोनो भी बात तू किंतु हेर फेर ना करेला, मनबे करेला, बात का मालूम है? हमकी एगो बात ना बार बार मन पड़ेला। और ऊका बा दीपू? हमार मन हो रहा भाई साहब कि अर्जुन में अचानक इतना परिवर्तन होए के कारण किंतु सिर्फ भौजी ना। तो फिर तोरा की का लगत बा दीपू, ई बदलाव किकरा खातिर बा? प्रेम, अर्जुन प्रेम में पड़ल बा भौजी, निश्चित याव भाव के कारण ही ओकरा अंदर इतना परिवर्तन आयल है, मालूम? देख लिया? का भेल बिटिया, तू कुछ बोलत काहे नहीं खे? सुगनी, तू इतना चिंता काहे करता हूँ, ई तो सब के करे के पड़ेला। सही बात बा, अब तहार पापा दागल वाले ना, अब कुछ भी सोचो ना, अब तो बस राजी हो जा। देखिए तहार पापा सब संभाली है, और बेटी के शादी में तो पापा ही सब साथ देवे लेना। रहे दी, आप लोगन की हमने की खातिर सोचे की जरूरत नहीं की बा, हमने अपने आप ही अपन प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकत है। आपके दाम पहले ही कह दे ले रहनी, ये शादी हम नेकी करे के चाहे नहीं कबू। काहे ना हो सके ला बिटिया, काहे ना,
देखा हम तुम्हारे पिता जैसे नहीं यही खातिर पूछा था, आखिर तुम्हारे समस्या का बा? भैया एक बात हमरा के समझ में नहीं आवत, आप दोनों बेटन की शादी एक साथ काहे करे चाहता नहीं? हाँ, इतना देर से आप ना लाख टका के बात बोल ले है, मालूम है दोनों लड़का के एक लगन में बिया हुई का है, एक बार बिया हुई का है ना, हम आपके समझावत है। मतलब अभी राशि गण मिल के देख ली कि ई बाबू के दोनों लड़का के एक लग में बिया होवे के परी ना तक हो रमंगल। वैसे सच कही ता हमार बड़ बिटुआ आपके बड़की बिटिया के साथ में शादी करे के चाहेला, लेकिन बात ई बा के हमरा के इहे मुहूर्त में एक ही घर में दो लड़की शादी करे खातिर कैसे मिले हैं, और अगर ना मिले हैं ता फिर इतना कम समय के बीच में सब कुछ व्यवस्था करे में बहुत मुश्किल हुई। आपकी सुगनी बिटिया भी तो शादी के लायक भी है, यह खातिर तोरा पास से हम विनती करे आई है, आप लोग मान जाई। और सच बात कही तो हमरा की और कुछ ना चाहिए, एक ही मंडप में सब हो जाई और आप लोगों के भी दिक्कत ना हुई। हमने कई परिवार के बचाई बिटिया, तू एक बार राजी हो जा बिटिया। पापा पापा हमरा के लागत है ई हमरा के पसंद ना करे नी, ये खातिर तो तू चुप रहा, तुहार हाव भाव देख के तो हमार मन ही ना करेला कि हम तुहार शादी करी। अभी मुश्किल में है ये खातिर, लेकिन पापा हम तो कहले ही ना कि हम परिवार पे ध्यान दे, आज तू तोहरा खातिर और भैया के खातिर हम ही शादी करे खातिर राजी भइले हैं ताकि परिवार में कोनो मुसीबत ना आए। तो चुप काहे खड़ा बड़ा कुछ बोल, बोलत रहली का? अभी सुनी ना, अगर संभव हो तब हम उनका तनी ब्याह करे खातिर हम राजी कर लेते, लेकिन बुझी ना रहल है तो अभी का हम करी। अब अचानक रिश्ता करे से पहले ही हम आप लोगों के बारे में सब कुछ जान लेने हैं। आप लोग बुरा ना मनिया, लेकिन जे भी इस शादी के बात बा वो सब हम सावित्री देवी के साथ में ही करब, और भविष्य में उनका साथ ही हम संपर्क रखब। रुको ना राजेंद्र, तू काहे ऐसा बात बोले ले, मत बोला ना, वो सब कुछ करी है, लेकिन पापा के हिसाब से तहार जे जिम्मेदारी होके ना तू सब करा। दीदी हम अपन दोनों हाथ फैला के आपके बिटिया के मांग रहल बानी, आप राजी हो जाई। देखी आपकी सुगनी बिटिया अगर ये शादी से राजी ना हो तो फिर हम और कुछ भी ना कर पाए। हमार बड़ बिटुआ की शादी भी मजबूरन हमरा के तोड़े के पड़ी। आई सर, आई आई, ये आपके केबिन बा, प्लीज बी सीटेड सर। आप भी बैठी ना। अरे ना, पहले आपके सब कुछ दिखावत है, ये फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट बा। दिखाई, यहाँ पे डू साइट एक्विजिशन कैले बा और बाकी के डॉक्यूमेंट्स ई फाइल में बा। वाह, ई वाला तो प्लांट सेंसेशन में चल गई बा, वेरी गुड। यस सर। अंकल आप हमरा के बार बार सर मत बोली, आप तो हमरा के बचपन से देख रहल बानी,
आप हमरा के नाम लेकर बुलावल करी। उता ठीक बा। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। का चलता? अर्जुन के देखा था सब कुछ बहुत जल्दी ही सिखराल बाड़े। अर्जुन हमार बेटा बा मलाई जी, हमरा के पता बा अर्जुन चट से सब कुछ सीख जाए। और अर्जुन हमा ऑफिस प्रोटोकॉल भी एगो चीज होला, ई तो तू जाना तारा? जाना तानी माँ। ये खातिर बोला तानी कि मलाई बाबू तोरा के काहे ना बचपन से देख ले हुए ऑफिस में, उ तोरा अंडर बानी ना, ये खातिर मलाई बाबू तोरा के सर ही बोली है ये प्रोटोकॉल, ठीक बा? बिल्कुल सही कहलो मैडम। मलाई बाबू थैंक यू, अब आप अपन केबिन में जाएं, हम बाकी काम अर्जुन के समझा दे। ओके मैडम। अर्जुन तू जे आज काम में मन लगैला हा, समय देला हा, ऑफिस आइला हा, ई सब चीजन के सबसे ज्यादा खुशी भइल बा हमरा के। तो हम सोचा तानी कि आज तोहरा के और ऑफिस के बाकी सब लोगन के एगो सरप्राइज दे। इहे खातिर आज ऑफिस लंच आवर में एगो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई। अर्जुन देखी, आपकी सुगनी बिटिया अगर ये शादी से राजी ना हुई तो फिर हम और कुछ भी ना कर पाए। हमार बड़ बिटवा की शादी भी मजबूरन हमरा के तोड़े के पड़ी। अब हमरा के कोनो ऐसन घर ढूंढे के पड़ी जौन घर में दो बहनी हो। हमरा लगे कोनो उपाय नहीं के सावित्री देवी। समझ गए नी, आपकी सुगनी बिटिया इस शादी से राजी नहीं है, ता फिर हम भी कुछ ना कर सकेंगे। अरे ऐसा इतना अच्छा रिश्ता टूट रहल बा राजेंद्र, हम के लिए बहुत रोना आ रहल बा। हम चलत हैं, चला बिटुआ। शुभ्रा, सुगनी शादी खातिर राजी हुई ना, हम मोकरों पर कैसे जोर डाली बोला था, छोड़ बहन भाड़ी हूँ, मोकरों पर हम जोर ना डाल सके नहीं, लेकिन हम ऐसे कैसे रहम, इस जिंदगी में तो हमार और तहार मेल ना होई, हम तो तारा ही पति मान लेने वाली, तो उसे बहुत प्यार करेनी, तार बिना हम ना रह सकम, ना रह सकम। ना, अब हमार जिंदगी के कौनो मूल्य ना रहल, हम तो उसे तब प्यार करत रहनी, तो के बिना पा सकनी, हम के जिंदा ना रहेगी बा,
हमके माफ कर दिया शुभ्रा। अगर दूसरा जन्म जैसन कुछ होखेला तो हमने फिर मिलब। आपकी बेटी के माफ कर दिया माँ। अब हम चलत हैं। हमरा के 5 मिनट का समय दी भैया, खाली 5 मिनट। दीदी तारा, आप का कर रहे हैं? आप का पागल हो गए हैं? तब का करी बोलो जी के का करब? हमारे पास जी के कोनो वजह नहीं के, हमारे जिंदगी के एक ही वजह रहे वो भी खत्म हो गए सुगली। हम सब सब तो टूट गए। ऐसा मत करो, ऐसे पागलपंती मत करी ना। तू हमके बचावे के चाहत बाड़ू ना, बोला बचावे के चाहत बाड़ू ना। हाँ दीदी, आप हमने सबके छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप कैसे कर रहे हैं ये सब बताए? देखा आत्महत्या करे बहुत बड़ पापा। ठीक बा, हम ऐसे ना करब। तब फिर तू हमके बतावा पहले, तू शुभ्रा के भाई से शादी करे खातिर मान जाए बोला, प्लीज मान जाना। सुगनी, इस शादी के खातिर तू राजी हो जा सुगनी, और कोनो उपाय नहीं खे। लेकिन माँ हम कैसे? चुप, तू समझत नहीं खू। तू इस शादी खातिर राजी न हुई बू तो फिर तो हमनी के पूरा परिवार नष्ट हो जाई। हमारे सर पर हाथ रख के कसम खा, तू ही शादी करबू, नहीं तो तू हमार मरा मुंह देखबू। माँ, हम आपके चेहरा के तरफ देख के पूरा दुनिया से ही लड़ाई कर सके नहीं माँ। हम तुहार चेहरा पे इतना साहसी दिखे खातिर हम अपन जान भी दे सकते हैं माँ। आप मरे के बाद बिल्कुल मत करी माँ, आपके कुछ हो गए हम तो मर जाए माँ। ऐसन बात मत बोला बेटी, ऐसन बात मत बोला। भगवान तुहार हमेशा रक्षा करी। तू 3 महीना शादी करके सुख से परिवार संभलबू, हम और का चाहता नहीं बोला बेटी। तू अपन जान काहे देबू? तू कितना अच्छे से रहबू, कितना खुशी से रहबू, ये हम अपन दोनों आँख से देखा। देखा सुगनी, हम जानता नहीं अचानक से तारा के शादी के बाद चल रहल बा ना, ये खातिर तू अभी शादी के खातिर तैयार ना रहलू, ये ना हम सब समझता नहीं। लेकिन देखा बेटी, ये तो एक तरह से अच्छा ही भेल बा ना, तू दोनों बहन एक साथ एक घर में रहबू, दोनों एक दूसरे के अच्छा बुरा देख लेबू, एक दूसरे के संभाल लेबू, और हम तो बहुत ज्यादा निश्चिंत हो जाए। एजा तू मंदिर गई रहलू कि भगवान के सामने पूजा कैलू कि तोहर दीदी की शादी बहुत अच्छे से हो जाए, ओमे कोनो बाधा विघ्न कुछ ना आए। देखा भगवान वैसे कही नहीं हा, तोहर पिताजी भी एजा आ गई नहीं हा, वो राजी हो गई नहीं एकर कन्या दान करे खातिर, इससे अच्छा और का हो बताओ। और तू देख लू अगर एजा कुछ गलत हो जाए तो हमने का करती बतावा। शादी टूट जावे को लेके खातिर कितना बर्बाद बा, इत तू समझता रू। सुगनी हमार बेटी, तू एक बार हमरा के बोलने रहलू कि माँ हमार दीदी के इतना बड़ मन बा, देखा एक दिन ई मन की वजह से ही आके कौ दीदी के साथ शादी कर ली, उहे तो होता ना बेटी, उहे तो होता, उनकर कोनो मांग भी नहीं खे, सिर्फ एक के मांग बा, दोनों बेटा की शादी एक साथ करी है। तू ये मत सोचा कि हम तोरा के फेंक देवे चाहता नहीं, ई माँ होके का हम कर सकब? रिश्ता तो बहुत अच्छा बा ना,
तू तो पिताजी के देख लू, उनकर बेटा के भी देख लू, कितना बड़ मन बा। शादी खातिर राजी हो जा, देखा कभी ना कभी तो शादी करे के ही पड़ी ना। इतना अच्छा घर बा, अब तोरे के बोले तारी तो सुखी रही बू बेटी, राजी हो जा। तू दोनों अच्छे से रही बू, खुशी रही बू। तिन्नी के भी शादी हो जाए तो हम शांति से तो मर सकम बेटी। माँ राजी हो जा बेटी। प्यार का होला हमरा नहीं पता सुगनी, लेकिन जब हम तहरा के प्यार कहनी हमार तो पूरा दुनिया ही बदल गई। तू हमरा पास रहबा, पूरा जीवन हमार हाथ पकड़ के चलबा। हम तहरा के इतना प्यार करब कि तहरा के जीवन में कब्बो कोनो चीज के रिग्रेट ना होई। हम तहरा के प्यार करता नहीं सुगनी। हमके माफ कर दा, हमने एक साथ नहीं हो सकत है, पॉसिबल नहीं के बा। परिवार के खातिर हमके सोचे के ही पड़ी। माँ आप उनकरा के बोल दी, हम राजी हैं। सोचलो सावित्री दीदी, हमार मंजरी बेटी शादी खातिर राजी हो गई। मलाई बाबू। यस मैम। कहता नहीं सब कुछ रेडी बना? यस मैम। ओके थैंक यू। आवा माँ बोले तानी यहाँ पर का हुई? हमारे साथ आवा अर्जुन, सब कुछ जान जाएगा। आवा भौजी आज ऑफिस में का हो रहा है? बोली तो सब बोल रहा कि आज ऑफिस में तू स्पेशल अलाउंस करे वाली हो। हाँ दीपू, आज तू सबके हम एगो सरप्राइज दे, ये खातिर तोरा के रुक ले रानी। ओके आवा। सर आप और शुभांकर सर बिजनेस साथ में कहले रहले, आप दोनों तब मिलकर शुरू कहले रहले। अंजलि मैडम तब आवत ही न रहनी ऑफिस में। आज के सरप्राइज लागत है आप के खातिर बा। आना का हमका भौजी के भूल मानत रहली का? भौजी हमरा के एमडी के दायित्व देवे के चाहती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज काबा बोलतानी कहा? बोलतानी का चल रहल बा यहाँ बताई था? और देखी आज ऑफिस में हमार पहला दिन बा, हम एकदम नया बानी। अभी यहाँ के सिस्टम रूल्स हमरा के कुछो नहीं के पता, लेकिन माँ पहला ही दिन हमरा के पर्सनल केबिन दे देले बानी। का बताई हम ना समझ नहीं के रहल बानी का होई, और हमरा तब आप लोग के साथ ही बैठ कर काम करे में अच्छा लागी। एगो बात बतावा बोले तानी, अगर हम कोनो गलती करब तो मैडम से बहुत डांट खाए के पड़ी है बाना? ऐसा ना होई। अरे बाबा ये ऑफिस में तोहार एगो अलग ही सम्मान बा, एक अलग नियम बा। तोहार काज के बीच में जो भी सम्मान रहे वो सब सारा काम तू निमन से कर बा, बुझला? ओके। डरना हम सब तो हैं, हां सिखा दे। चलो 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 आवा। अब शांति मिलल हमरा के। बाप रे बाप, पता बा हमार दिल के धड़कन बहुत तेजी से बढ़ गए रहे। तो अभी से हम उड़न सुगनी के भी होके वाला ससुर बानी। हाँ हाँ, लेकिन हम उकरा के सुगनी ही बोलब, जौन नाम से सब उकरा के बुलावे ले। हाँ तू दूगो बहनी हमार घर के रोशनी से भर दिया। पूरा जिंदगी यही चाहत रहनी माँ बहन के चेहरा पे हंसी रहे। हमारी फैसला से कितना लोग खुश हैं। अर्जुन ई जन्म में तो हमने नेखे मिल सकत है, सॉरी
आप अच्छा से रहे, बस ये चाहते हम सपना नेखे देखे नहीं, कहे कि हमारा सपना सच नेखे हो खेला। आज हम आप सब लोगन के बुलाइनी आए गो विशेष सरप्राइज देवे खातिर। आपने से केहू हमरा के बताई कि आज के तारीख कब? 10th में। राइट, आज के दिन हमरा खातिर बहुत स्पेशल बा, क्योंकि याद बा भौजी, आज के दिन में ना तू अपन पहला ऑफिस ज्वाइन के ले रहलो। थैंक्स दीपू, तोरा के याद रहल। हमरा के पता बा कि तू ई कंपनी में खुद से बहुत कुछ संभाल लेवेला, जिम्मेदारी लेकिन तोरा के लेवे के पड़ी। निश्चित, रोवा जैसन चाह वैसने होगी। एवर हम ऑफिस में योग्य सम्मान पाई बा, भौजी तो बुझ गए हम कितना बात डिजर्व करते हैं। वाह, शादी तो फाइनल हो गई। हाँ, अब हमने की तो कुछ तैयारी करके पड़ी, शॉपिंग करके पड़ी। अवश्य, लेकिन हम पैसा वैसा ना लेके आए ले। हाँ, आप लोग अब जाएं। बहुत धन्यवाद, आप अपन कीमती वक्त निकाल के हमने के घर पे यहाँ पे आईनी। हमने के परिवार के मामला में क्यों बाहर के आए, हमके नहीं किया अच्छा लगे। रुपया पैसा के कोनो भी जरूरत नहीं खेबा हमके। आप जो हमारे दीदी के कन्यादान करे खातिर राजी भइल हैं, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। उतना करे से ही हम धन्य हो जाए। हमने यहाँ पे आवे के ना चाहत रहनी, जी भी हो हमने के वो जिम्मेदारी बा, यही से आई बानी। फाइन, तो फिर स्ट्रेट वे शादी के दिन मिलत बानी तो से आवत नहीं। चलो राजेंद्र। हाँ चलो। चला। उड़न सुगनी, तोरा के उड़ावे के फुल व्यवस्था कर रहल बानी, और बस कुछ दिन बाद उकरा बाद तू भी फुल। अब आप लोग ही बताएं, जब से ई कंपनी हम टेक ओवर करनी है उकरा बाद कंपनी के हम कितना एक्सपेंड करनी है। मैम, अब साउथ इंडिया में एको 5-स्टार होटल बनाई ले बानी, जो इंडिया के बेस्ट 5-स्टार होटल में से एक बा। राइट, थैंक यू। हम कंपनी के टर्नओवर बदले खातिर और भी बहुत कुछ सोचनी है। देखी, बोर्ड मीटिंग में जब सब कुछ फाइनल हो जाए तब हम वो सब बात, हम वो सब इन्फॉर्मेशन हम आप सबके दे दे, ये तो आप जाना था नहीं। इन फैक्ट हमार सपना के मुताबिक पूरा भारत में ऐसा कोनो स्टेट ना रही जहां SB कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ना हुई। ये हमार लक्ष्य और नेचुरली कंपनी के भी लक्ष्य बा। लेकिन अब से हम अकेले ये सब जिम्मेदारी ना उठाए, हम सोचता नहीं कि ई बार हमार बाद SB कंस्ट्रक्शन में और एगो MD होवे के चाहिए, जिकरा के हम चुन लेनी हा, जो कि हमारे परिवार के बा, जे पे हम भरोसा कर सके नी, और जे ई जिम्मेदारी अच्छा तरीके से निभा पाए। बधाई हो के सर, हम कहले रही ना आप सबसे पुराना है, मैडम आप कहीं सिलेक्ट कहले भी आ, देखी। दीपू। हाँ। तू ऐजा आवा, हम चाहता नहीं तू हमरा पास रहा। जब हम ई नाम अनाउंस करी हम चाहता नहीं कि तू हमार पास रहा, आफ्टर ऑल जोनो दिन तोहर भैया ई बिजनेस शुरू कर ले रानी, तू उनकरा के साथ रहल। भौजी, तू हमरा के योग्य मान के दायित्व देता हो, हम ई दायित्व के बहुत बढ़िया से निभाए और पालन करब,
ताकि कंपनी उन्नति करके बहुत ही आगे बढ़े। थैंक्स ना, अब हम आप लोगों के और इंतजार ना कराए, जरूर आप लोग भी बहुत वेट करत हुई हैं। हम सोचनी हाँ, SB कंस्ट्रक्शन के नए MD हुई हैं। मिस्टर अर्जुन बोस। माँ हम MD, माँ हम तक कुछ नहीं जाना था, नहीं काम भी सही से नहीं सीखले बानी, और आप इतना जल्दी हमरा के। सो व्हाट, सब कुछ सीख जाई बा अर्जुन, हम बानी तोहार साथ, तोहार चाचा बानी तोहार साथ, सब कुछ सिखा दी है, डोंट वरी। सुना, हम सबके सामने बोलता नहीं, तू ई नई जिम्मेदारी के लिए अपने के थोड़ा थोड़ा तैयार करा, तू देखिया ज्यादा समय ना लगी, लेकिन तोरा लीडरशिप में हम SB कंस्ट्रक्शन की उन्नति के शिखर पर देखे चाहता नहीं, ई तोहार दायित्व बा। इतना पर अपमान, ई अपमान ता हम कपनो बर्दाश्त करा, नीचे बेटा के आपन सिंहासन दी और हम एकर नौकर बन के घूमत रही, कपनो इतने पर अपमान के बदला हम लेके रहा।